2022 में इंडिया में 5G आया था और 2024 तक हमने 5G का बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखा, जहां पे इंडिया के अंदर देखा तो एक तरह से फास्टेस्ट 5G का रोल आउट हुआ था और दुनिया के अंदर सबसे तेजी से 5G जिस कंट्री में डिप्लॉय हुआ वो इंडिया था। लेकिन 2025 में इसी को हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले और ये बात बहुत सही हो सकती है। अब देखा तो 5G के पेड प्लान तो देखने को मिलेंगे, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी कुछ एडवांसमेंट देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको 5G एडवांस देखने को मिल सकता है, यानी कि जिसे हम 5.5G भी कह सकते हैं। अब ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है 5G टेक्नोलॉजी का, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लिमिटेशंस थी। यहाँ पे जो नेटवर्क रिसेप्शन था वो लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिलता था, कुछ रूरल एरियाज के अंदर 5G के अंदर ड्रॉप आता था और कंसिस्टेंट सिग्नल्स नहीं आते थे। और हाँ, ये बात भी हमने देखी कि 5G के अंदर मोबाइल फोन के अंदर बैटरी भी ज्यादा खाता था और हीटिंग भी होती थी। अगर मैं बोलूं 5G एडवांस आके इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर देगा तो कैसा लगेगा? वेल, इसी फंडामेंटल चीज को सॉल्व करेगा और जियो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है। जियो की तरफ से तब पता चलता है कि 5.5G या 5G एडवांस को लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर तो इस चीज को लेकर आने वाला है, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ हैंडसेट बनाने वाली कंपनीज भी काम कर रही है ताकि 5G एडवांस के हिसाब से उनके जो हैंडसेट्स होते हैं वो कंपेटेबल रहे, जिसके अंदर आपको बेटर रेंज मिलेगी, बेटर क्वालिटी मिलेगी, बेटर स्पीड मिलेगी और जहां जहां पर अभी 5G अच्छा आता नहीं है वहां पे भी 5G अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही नए डिवाइसेस के साथ आपको यहां पे 5G के अंदर बेटर बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। ये बहुत सही चीज होगी, क्योंकि शुरुआती दिनों के अंदर जो 5G डिवाइसेस थे वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 5G की जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी बेटर होती चली जाएगी और बेटर नेटवर्क स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं 5G के प्लान्स का, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में स्पेसिफिक कुछ प्लान्स निकाले जाए या फिर कुछ प्रीमियम ऐसे प्लान्स निकाले जाएंगे जिसके अंदर आपको स्पेशली 5G के लिए रिचार्ज हो सकता है, अलग से कराना हो तो शायद एक फ्री 5G का अंत हो सकता है। हाल ही में रिसेंटली जियो और एयरटेल ने अपने प्राइसेस थोड़े बंप अप कर दिए थे और लोअर प्लान से 5G को टोटली रिमूव कर दिया था, तो देखने वाली बात है कि ये लोग यहाँ पे किस तरीके से 5G को एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि अगर मैं 5G डिप्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा था तो एयरटेल की बात कैसे ना करें। एयरटेल इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने 5G को सबसे पहले लेकर आई थी और शोकेस किया था। हालांकि उस समय एयरटेल के पास नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस समय एयरटेल यहाँ पे अपने स्टैंड अलोन नेटवर्क को टेस्ट कर रही है। हाल ही में एयरटेल से ये पता चलता है कि वो अपने एयर फाइबर को लेकर सीरियस है और जियो की तरफ से जो एयर फाइबर का यहाँ पर कॉम्पिटिशन आया था उससे लड़ने के लिए एयरटेल अपने एयर फाइबर के अंदर स्टैंड अलोन नेटवर्क को इंटीग्रेट कर रही है, जिस कारण से यहाँ पे एयरटेल जो है वो 5G के अंदर अच्छी क्वालिटी का हाई स्पीड इंटरनेट वायरलेसली आपके घर तक यहाँ पे डिलीवर कर पाए। अब देखा जाए तो एयर फाइबर को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके घर में अगर नॉर्मल फाइबर कनेक्शन आ रहा है तो उसे ही आप प्रेफर कीजिए, कभी भी आप एयर फाइबर पे मत जाइए। एयर फाइबर आज भी बहुत इनकंसिस्टेंट है जियो एयरटेल दोनों में। यहाँ पर देखा जाए तो जियो के अंदर आपको डाउनलोड स्पीड ज्यादा मिल जाती है लेकिन अपलोड इतनी अच्छी नहीं मिलती और लोगों का वेरिएबल एक्सपीरियंस है। अगर कंसिस्टेंट और स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा आप हमेशा नॉर्मल फाइबर को यूज कीजिए। अगर नॉर्मल फाइबर को ही अगर आप यूज करेंगे वो बेटर रहेगा। हालांकि नॉर्मल फाइबर जहां नहीं पहुंच पाता वहां पे एयर फाइबर को डिप्लॉय किया गया है, ये कहानी रहती है। इसी के साथ ही एयरटेल स्टैंड अलोन अपने मोबाइल फोन डिवाइसेस में भी लाएगी और इंडिया में कुछ जगह यहां पे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और यहां तक कि क्वालकॉम जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके रिड्यूस कैपेसिटी चिप्स के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि एयरटेल का जब स्टैंड अलोन 5G आएगा तो वो जियो के 5G से थोड़ा एडवांस रहेगा, मोबाइल फोन के अंदर अच्छी रेंज अच्छी स्पीड्स प्रोवाइड करेगा, प्लस जो बैटरी लाइफ होगी वो भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी हमें बात कर सकता हूँ। वोडाफोन आइडिया 5G को लेकर इतना कंफर्म कर दिया कि मार्च 2025 तक ये लोग 75 सिटीज में अपने 5G को रोल आउट करेंगे। ये स्टार्टिंग से ही अपने 5G के प्लान रखे हुए और इनका ये कहना है कि इनके 5G के प्लान जियो एयरटेल की कंपैरिजन में 15% चीपर होंगे। और अगर वोडाफोन आइडिया अगर अच्छी क्वालिटी का 5G यहाँ पे डिलीवर करता है तो उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल बात होगी। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है वो आज के समय में नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है, बाकी कंपनी स्टैंड अलोन नेटवर्क के पीछे जा रही है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस एक ऐसी चीज होगी जहां पे देखना होगा कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद बात कर सकता हूँ BSNL की। BSNL के डेट्स जो सामने आ रही है 5G रिलेटेड वो आ रही है मई और जून तक। यस, बिल्कुल सही सुना, इस साल के बीच के अंदर जो BSNL है वो अपने 5G को इंडिया के अंदर यहाँ पे रोल आउट कर सकता है और जिसके अंदर BSNL देखा जाता है एक हाई क्वालिटी का 5G नेटवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिसका मतलब समझ के रखिए
कि BSNL भी इस रेस के अंदर है, लेकिन BSNL के अंदर देखने वाली बात है कि जब वो अपना 5G लेकर आते हैं तो अपने जो प्राइसेस होते हैं, प्लान्स होते हैं, क्या वो उसे इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं। इसके साथ ही BSNL जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो होगी यहाँ पर आपकी स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन दोनों पे, लेकिन डिप्लॉयमेंट वो किस पे करेंगे ये देखने वाली बात है। अभी उनका टारगेट है मई और जून तक 1,00,000 4G नेबल टावर्स को क्रिएट करने का पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद ये लोग 5G के ऊपर मूव करेंगे और 4G की टेक्नोलॉजी के लिए ये लोग TCS और तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और BSNL के साथ अच्छी बात है कि इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी पर ये लोग काम कर रहे हैं। 5G के जो पेटेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो सारे चीजें वो सारी बाहर की है, लेकिन जो बनाया गया जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो असेंबल्ड इन इंडिया होंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे खेल चल रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो इंडिया के अंदर आपको 6G रिलेटेड भी डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज देखने को मिल सकती है। इंडिया में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 6G के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया की तरफ से रिसर्च पेपर 6G के स्टैंडर्ड्स जो फाइनल किए जाएंगे वो आप देखने को मिलेंगे। हालांकि 6G से रिलेटेड एक बात बता सकता हूँ कि अभी हम बहुत ज्यादा दूर है, कम से कम 6G में अभी 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे और वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इसका ट्रायल टेस्टिंग थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है, रिसर्च पेपर पब्लिश होना शुरू हो चुके हैं और इंडिया अब कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे पहली बार, क्योंकि 2G 3G 4G 5G तक इंडिया की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गया था किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन अब 6G के स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो वो एक अच्छी चीज है। हालांकि इसकी फिजिकल डिप्लॉयमेंट में हम बहुत ज्यादा दूर है, और 6G के अंदर देखा है तो इंडिया में काम हो रहा है, USA में काम हो रहा है, यहाँ तक कि जापान में भी काम हो रहा है और चाइना में भी काम हो रहा है। तो देखने वाली बात है कि 6G के लिए यहाँ पर कहानी क्या रहती है। इसके साथ ही अगर मैं टेलीकॉम ऑपरेटर से निकल के बात करूँ अपने मोबाइल फोन कंपनीज की, तो हर एक कंपनी के 2025 में एक प्रायोरिटी है कि अपने 4G डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग टोटली खत्म करें और उनका पूरा 100% जो पोर्टफोलियो ऑफ डिवाइसेस रहेगा वो 5G के ऊपर आ जाए। जैसे कि शाओमी 100% 5G पर आने वाली है, ओप्पो आने वाली है, वीवो आने वाली है, सैमसंग आने वाली है, ट्रांसेंड जैसी कंपनी के अंदर Airtel जो रहती है वो कुछ अपने 4G डिवाइसेस निकाल सकती है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज टोटली 5G पर आ जाएंगी। इसके साथ ही जियो के मोस्ट अवेटेड 5G फोन का वेट कर रहे थे, तो मेरे सोर्सेस से पता चलता है कि जियो ने ये आइडिया यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। जियो अभी अपना खुद का 4G इनेबल्ड फीचर फोन निकालने में ही अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पे फोकस करेगा। 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन में दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है अपने नेटवर्क के हिसाब से फोन्स निकालने में, लेकिन अपना खुद का मोबाइल फोन खुद के ब्रांड के अंदर अभी उसका कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे चिप बनाने वाली कंपनीज भी लगी हुई है, जैसे कि लास्ट ईयर आपने स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 देखा था। मीडियाटेक भी कुछ अपनी नई चिप्स निकाल लेगी जो अफोर्डेबल कैटेगरी में होंगे और हाई क्वालिटी 5G प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे प्रॉब्लम है कि स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 के साथ ये सिर्फ जियो के 5G के साथ काम करते हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ, यहाँ पे नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज है ही नहीं। लेकिन मेरी नजर में अगर ट्रू 5G का अगर अच्छा एक्सपीरियंस देना है तो जो चिप्स निकाली जाएंगी, जो फोन्स आएंगे, वो Airtel जियो दोनों को अगर बराबर तरीके से सपोर्ट करे तो एक अच्छी चीज है। और हम मान के रखिए कि यहाँ पे 5G के अंदर और भी ज्यादा न्यूज आपको सुनने को मिलती रहेगी 2025 के। उम्मीद करता हूँ कि जो नए 5G फोन्स आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा बेटर हो, बैटरी कम खाए, अच्छा नेटवर्क दे, स्टेबल परफॉर्मेंस दे, ये चीज रहेगी। और 2025 हमेशा यही एक चीज लेकर आएगा, 5G तो हमें देखने को मिला है लेकिन अच्छी क्वालिटी का 5G जो रहता है वो 2025 में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी होती है 5G की, क्या 2025 में क्या हो सकता है, सारी बातें मैंने आपको बताई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।